जबक तक मौजूद रहेंगे फरदुआ गांव में और इतने हम आए हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेके कि जाविर कौन की सरकार बनने को बने लार को अगलो विधायक 5 साल कैसो विधायक को काम रहो और सरकार कौन की बनने शिवराज की के कमलनाथ की। तो हमारे संगे दादा मौजूद हैं। दादा किसान हो? किसान है। एक जोर से बोलो दादा। किसान है। किसान तो जब 2018 को चुनाव हो तो किसान कर्ज माफी पे है तो और बिल माफी पे तो और मुद्दा थे तो कमलनाथ की सरकार आई थी 1.5 साल से जाना आती तो बामे हाँ 18 महीना की तो बामे लावा मिलो तो माफ बहुत होगा। कर्ज नहीं माफ भाव नहीं भाव तो बेले भाई थे नहीं भाव। अच्छा बे तो कहते हैं कि हमने माफ करे थे भाजपा सरकार में माफ भाई बिल पहले ना अबे आके। अच्छा और तो जावे सरकार कौन की कुने वोट डारो? भाजपा को। अच्छा काय डारो भाजपा को? भाजपा से गुंडा राज खत्म भाओ। हाँ। भाजपा में किसान खुशहाल है। हाँ। माँ बेटियों को पैसा मिल रहा हो। अच्छा और शिवराज सरकार अच्छी चल रही। तो लाहौर में 35 साल से कांग्रेस है कि जावेर का है? जावेर कमल है। अच्छा जावेर कमल इसलिए है कि तीनों महारथी एक ही पे सवार है। अच्छा हाँ। जावेर कमल है कमल तो भाजपा जावेर बाजी मार। भाजपा बाजी मार। अच्छा जावेर किसानी करत के नहीं करत? हाँ किसानी करत साहब। शुद्ध किसान हो? हाँ। अच्छा तो जावेर कोने वोट देने? बीजेपी का कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी का बीजेपी का देने? अरे बीजेपी के कार अच्छे हैं। एक तो लुटाई नहीं हो रही कांग्रेस की सरकार में लुटाई ज्यादा होती। का लुटाई होती? किसान लोग खेती नहीं कर पा रहे थे बेचारे। का लुटाई हो जाती? अरे जो हो जाती दिन दहाड़े बस लूट नहीं जाती। अच्छा और क्या चोट डके? अरे चोट डके सरकार आ जाए फिर पता पड़ जाए। लेकिन बीजेपी सरकार सवाल कौन सरकार नहीं आ रही है। अच्छा पक्का बनने? पक्का। किसानों की सबसे बड़ी बात है खुशहाली है कि बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अच्छा शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनाने? मुख्यमंत्री पक्का। अच्छा हाँ। लार में का करने? लार में कोने वोट देने? लार में अमरीत शर्मा को टिकट मिला तो अमरीत शर्मा पक्के में अभी तो अमरीत शर्मा जीतेंगे लार से। भाजपा में और काऊ को मिल गया तो? अरे भाजपा में भी तो किसी को भी मिल जाए। अच्छा काऊ को मिल जाए? काऊ को जिताने? हाँ भाजपा जिताने। का दादा किसानी करा तो खूब करा तो गन्या रखाओ? गन्या रखाओ तो हाँ। तो सरकार कैसी का है शिवराज सिंह की? बढ़िया है। एक नंबर है। हाँ। तो वोट देने के नहीं देने कमलनाथ को? देने के। कमल भाजपा को देने? भाजपा देने। हाँ। कमलनाथ को नहीं देने? अब जाने हमें नहीं पता को कमलनाथ को। कांग्रेस? कांग्रेस हाँ कांग्रेस। कांग्रेस को देने के नहीं देने? नहीं भाजपा को चल रहा है सब जाए सब दे। अच्छा भाजपा ही को और क्या करें? तो बीजेपी के नेता होगा? हाँ, देखो इतने हाँ। अच्छा तो कोने का वोट दे रहा है? भाजपा को दे। अच्छा मन नहीं बदलो? नहीं मन का बदलने भारतीय जनता पार्टी बड़ी गई अच्छी पार्टी। हाँ। किसान की हितेशी 2,000 रुपया शिवराज सिंह दे रहा है प्रधानमंत्री दे रहा है लालली बहनन को दे रहा है सब कछु अखंड रुपया सब कछु दे रहा है तो का पार्टी बदलने? नहीं तो कमलनाथ कह रहा है हम 1500 दे 500 सिलेंडर कर दे बहुत महंगाई। कमलनाथ दे रहा है कबे देख देवे को वर्तमान को देखो याद सब कछु अच्छा हो रहा है तो अबे उनकी सरकार नहीं है नन्या उनकी सरकार तो उनको थोड़ा से कोई हम तो बीजेपी के हैं। 2018 में मिलो तो नंगी आई थी कुछ नहीं मिलो कछु नहीं मिलो तो कर्ज अर्जा माफ नहीं करना कछु कर्जा माफ भाव। अच्छा कछु नहीं भाव तो कुछ नहीं तो फिर देने कोने भाजपा को ने भाजपा को जे हमारे संगे मौजूद है युवा मौजूद है तो हम जा जाना चाह रहा है कि जाबेर वोट किने देने? कांग्रेस को। कांग्रेस को देने? बीजेपी सरकार है इतने सालन से सरकार है तो बीजेपी से कछु फायदा ऐसा नहीं मिली नौकरी फोकरी? नहीं बेरोजगार है पूरी मध्य प्रदेश में। अच्छा हाँ। तो मतलब बेरोजगारी समय आया वैकेंसी निकाल दी। हाँ। तब से नहीं निकली 30-40 हजार MP पुलिस के पद खाली है। हाँ। नहीं तो और कितने का पढ़े हो? हम BA पास करें। टेस्ट दाए? हाँ। तो कितने का नंबर आ जाता? 55-53 लगभग। तो टेस्ट तो जैसे 80 और 85 पे क्वालिफाई SC से SC से आओ। अच्छा तो मतलब कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है बहुमत के साथ? नहीं हेलो नहीं नहीं ठाणे भैया माई कितने होते हुए रहो। अच्छा तो लार से कोने वोट करने? डॉक्टर साहब जीतेंगे 20,000 वोटों से। डॉक्टर साहब 20,000 वोटों से जीतेंगे? ऐसा डॉक्टर साहब ने क्षेत्र में काम कराया था रात दिन अपनी मेहनत करते हैं लगन सीम के साथ। अच्छा। हर जगह मिलने जाते हैं कार्यकर्ता। अच्छा। की मदद करते हैं। फरदुआ ग्राम के लाने कछु करो है डॉक्टर साहब ने? फरदुआ ग्राम के लिए कुछ नहीं हुआ अभी
क्योंकि सरकारी नहीं है 20 साल से, मतलब कछु तो दे गए हुए हैं सब विधायक निधि या कौन कछु से, अभी आरसीसी के लिए दिया है उनने। हाँ भाई तो हम कह रहा है तो जाबिर मतलब वोट डॉक्टर साहब गोविंद सिंह को करना है, 8वीं बार जीतेंगे डॉक्टर साहब, 8वीं बार जीतेंगे 20,000 वोटों से। कांग्रेस बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। नहीं तो बीजेपी में कैसी भगदड़ मची हुई है, जो सिंधिया के साथ लोग बाग गए थे उनके उनका उसमें सम्मान नहीं हो रहा है, ना उनको टिकट मिल रहा है, इसलिए वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में पनाह आ रहे हैं। अभी शिवपुरी से राकेश गुप्ता 700 कार के साथ फोर व्हीलर के साथ मिलने गए थे। क्या कह रहा है लाहौर से प्रत्याशी हैं भाजपा के तमाम प्रत्याशी हैं तो क्या जिन्हें वोट वोट करने के नहीं करने, नहीं हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, ये प्रत्याशी अच्छे नहीं है तो एन प्रत्याशी, लेकिन डॉक्टर साहब मेहनत करते हैं 24 घंटा आम जनता के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। अच्छा अभी हाँ कहा बता तो डॉक्टर गोविंद सिंह आम जनता के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात घूमते हैं, युवा वर्ग का कहना है कि हमें वोट नहीं देना है शिवराज सिंह को, का वैकेंसी नहीं निकाली और कौन बजा जैसे जी और बता रहा है कि हमें तमाम लाभ मिले, नहीं हमको कुछ लाभ नहीं मिला, नहीं मिले नहीं। कौन गए नेताजी डॉक्टर गोविंद सिंह 8वीं बार विधायक बन 20,000 से, नहीं बिल्कुल नहीं बन रहा है, अब किसान कमल को फूल भारतीय जनता पार्टी को विधायक बने लाहौर में, टिकट किसी को भी मिले अकेले भारतीय जनता पार्टी, ये कह रहा है कि सरकार ने नौकरी नहीं निकाली परेशान करें, ऐसा तो होता रहता है, कहते झूठी साजी चाहे कोई भी कुछ भी कह दे अपने मन से चाहे कुछ कहने लगे, ऐसा छोड़ कहूँगे जब पढ़ोगे लिखोगे नौकरी वैकेंसी खुलेगी नौकरी लगेगी, अच्छा क्यों नहीं लगेगी जी। फर्दू जैसे अब विधानसभा की बात कर ली जाए तो डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक है 3 साल से, लाहौर के लाने क्या क्या बीजेपी एसोसिएशन है जहाँ में बगैर पैसा की नौकरी लगा था। अच्छा। और कांग्रेस एसोसिएशन रहो कोई बगैर पैसा की नौकरी नहीं लगी, चाहे चपरासी से लेकर ऊपर की पोस्ट हो, नहीं तो फरदुआ ग्राम के लाने 3 साल से विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा, कुछ हमारी गाँव में तो कछु नहीं करो फरदुआ को, अच्छा हमारी गाँव में तो कछु नहीं करो, और भाई करो हो तो करो हो हमारे में तो नहीं करो ना करवे की आशा, अच्छा। जो व्यक्ति को बोलवे को ज्ञान नहीं हो आदमी का फरदुआ लाने कर, अच्छा तो कछु योजना वगैरह कछु यहाँ अस्पताल वगैरह कछु नहीं सब याद नहीं होते ही ना कोई अस्पताल यहाँ कछु नहीं है, नहीं कौन नहीं है, अच्छा तो यहाँ से जीते थे डॉक्टर गोविंद सिंह हारते हैं और हारत जी हैं, अभी तक एक हुआ नहीं, नहीं एक बार जीते जब वो निर्वाचन से लड़े थे, कब की बात है वो पहलोई चुनाव लड़े थे 90 में लड़े थे कौन से लोग मौजूद हैं बता रहे है कि यहाँ तो भैया बीजेपी जीता चले आई, शुरुआती में एक बार बीजेपी जीती एक बार कांग्रेस जीत गए थे और बाकी जनता दल से चुनाव लड़े थे, अच्छा कांग्रेस से तो आ रही है, कांग्रेस से एक चुनाव नहीं जीते यहाँ से, अच्छा कछु युवा मौजूद हैं तेजा भैया युवा मौजूद हैं, अब युवा की बात करी जाए तो रोजगार ले लो तुम या कछु मतलब नौकरी ले लो या स्टार्टअप ले लो कछु मतलब आए अपनी जो आए आत रहा है, बाकी लाने शिवराज सरकार द्वारा कछु कार्य करेगा कि नहीं करेगा, शिवराज सरकार कार्य करेगी क्यों नहीं करेगी, जब आप लगन से पढ़ोगे और तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, गरीब होगा वो भी लगेगा, और नहीं तो कांग्रेस के शासन में तो पहले जो पैसा वाला था वही लगता था बस, अच्छा जिसके पास पैसा है 8 लाख दो 10 लाख दो नौकरी ले जाओ, और अब तो मतलब गरीब है पढ़ेगा वो लगेगा, अच्छा शासन बहुत अच्छा है, अच्छा किसान को मौजूद नहीं है, शुद्ध देसी किसान है भज्जा, तो जब वक्त हमारे संग मौजूद है जो गांव के ग्रामीण है किसान है, कितनी किसानी करे कितनी खेती है हमारे पास 25 बीघा, तो क्या करें अब धान लगाना चालू है, तो शिवराज सरकार में धान के रेट का कैसे का मिल रहा है, बढ़िया रेट मिल रहे हैं, और फसल करा तो हाँ चना करते हैं तुअल करते हैं, तो खुश हो के नहीं है शिवराज सरकार से, बहुत खुश है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर The High Tech University in Central India, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।